एक्सरसाइज 1.3 की टाइप 2 है हमारे पास, a इंटू पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। इस टाइप के क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक हैं। फॉर एग्जांपल इसका क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 2x² + 1 + 3/2x² + 1 इज इक्वल टू 4। तो पी ऑफ एक्स की जगह यहाँ पर आ रहा है 2x² + 1, तो यहाँ पर भी पी एक्स की जगह 2x² + 1, ए की जगह यहाँ पर 1 आ रहा है और बी की जगह यहाँ पर 3 आ रहा है और सी की जगह यहाँ पर 4 आ रहा है। तो इसमें होगा ये कि जो टर्म यहाँ पर होगी वही टर्म यहाँ पर रेसिप्रोकल में होगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लेट करते हैं पी ऑफ एक्स जो कि 2x² + 1 आ रहा है इसको y के इक्वल। तो अगर इस इक्वेशन को हम 1 का नाम दें तो इक्वेशन 1 हमारे पास बन जाएगी y प्लस 3, क्योंकि ये बटे में 2x² + 1 है तो ये y आ जाएगा इज इक्वल टू 4। अब हमने बटे में y रिमूव करना है तो हम मल्टीप्लाइंग करते हैं बाय y से। y जब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा प्लस y जब सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, यहां पर हम y लिखेंगे तो y y से कैंसिल होके 3 इज इक्वल टू राइट साइड पर 4y से मल्टीप्लाई हो जाएगा y स्क्वायर, 4y इक्वालिटी के इस साइड पर आके -4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को तीन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे इसमें। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्योंकि प्लस 3y² बनता है तो इसको इस तरह सप्लिट करेंगे 3y - y के ऐड करने से -4y बने और -3y और -1 को मल्टीप्लाई करने से +3y² बने। फर्स्ट टू टर्म में y कॉमन आएगा, y -3 रह जाएगा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन आएगा, तो y -3 = 0। y -3 कॉमन ले लें तो हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा y -1 = 0। अब क्योंकि दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो आइदर y -3 = 0 होगा और y -1 = 0 होगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू निकलेगी 3 और यहाँ पर y की वैल्यू निकलेगी 1। अब क्योंकि हमने लेट किया हुआ था 2x² + 1 y के इक्वल, अगर इसको इनको हम 2 का नाम दें तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 और y की वैल्यू ये वाली हम पुट कर देंगे यहाँ पर 2x² + 1 = 3, यहाँ पर भी 2x² + 1 = 3, 3 नहीं सॉरी यहाँ पर 1 है। तो 2x² = 3 - 1, तो 2x² हमारे पास आ जाएगा 2, तो x² 2/2, x² की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि x मालूम करना है तो x² का रूट लेंगे। जब रूट लेते हैं तो कांस्टेंट टर्म की तरफ प्लस माइनस आता है तो x की दो वैल्यूज निकलेंगी +-1। इसी तरह यहाँ पर 2x² 1 - 1 0, 2x² की वैल्यू 0 आ गई तो इट मींस x² की वैल्यू 0 है। तो अगर यहाँ पर हम रूट ले लें तो 0 प्लस माइनस का नहीं होता तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। सो सॉल्यूशन सेट आएगा हमारे पास जीरो और +-1। तो इस तरह टाइप 2 का ये पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 था एक्सरसाइज का वो हमने सॉल्व कर लिया।